ये माँ की पिता की। बाद में जब क्लास गए स्कूल गए तो उस समय मैं वैसे कुछ कमी नहीं गिरने दिया, जो उनके लड़के के पास था वो हमारे पास था। बचपन में ऐसा कोई शिक्षक जो आपको लगता हो कि बहुत पिटाई? स्कूल कॉलेजों में धमाल मस्ती करने वाले जो ग्रुप में थे उसमें से हम हमारा था। शिकायत होती थी घर पे, मार तो बहुत पड़ता था। लगता नहीं कि जब आप पहली बार आमदार बने उसके बाद आपकी समस्याएं बढ़ती गई? एक घटना याद आती है 90 के आसपास, शायद 91 92 की, उस समय केंद्र की सरकार राज्य सरकार से नाराज थी और कहा जाता है कि उस दौरान शरद पवार की जगह करीबियों को लगातार हरेस किया जा रहा था। एक पहली बार आपके खिलाफ मैंने देखा था 1994-93 का, मेरे खिलाफ कोई नहीं था। अरे इतना होएगा कुछ ये मालूम नहीं था, जो जरूरत से ज्यादा हुआ। कौन से करीबी हैं उनको टारगेट किया गया? अच्छा, मैं पवार साहब के करीबी नहीं था। जो एक आप 95 के उससे पहले जब इलेक्शन आपको बाहर आए आप तो उसके बाद इलेक्शन लड़ने के लिए तो उस समय 95 में आपको टिकट नहीं दी गई, टिकट नहीं दिया और फिर कांग्रेस से टिकट मांगा? नहीं, 95 से मांगा ही किसने? मालूम था मेरे पे अन्याय हुआ है, पहले आरोप करना, टाड़ा लगाना। मेरा पहले टाड़ा लगा, अब मैं वो टाड़ा के हिसाब से, मतलब जिस दिन टाड़ा लगा तब तक एक भी विटनेस या एक भी आदमी मेरा नाम नहीं ले रहा है। 101 लोगों को तो खाली डिटेंशन, ऐसा ही ऐसे ही जिन पे एक एनसी नहीं, जिनका कोई पुलिस स्टेशन से कभी संबंध नहीं। मुख्य कार्यकर्ता चला जाएगा तो नहीं, बूथ पर नहीं, आम जनता पर दहशत बोलने वाले पॉलिटिशियन थे, जरूरत थी। उस समय आपको बुलाया गया, आपसे ये बोला गया कि मंत्री बन सकते हो, ये ऑफर। रमणाताई से आपकी मुलाकात कैसे हुई? हमारे घर के बाजू वाली। पहले किसने बोला था आगे चल के हिम्मत हो पाई थी कि बात करूं? नहीं, बात तो हम करते थे। 2019 के बाद 24 में जिस तरह का माहौल है, तीनों सीटों के साथ चौथी सीट पे भी आप बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से आएगी, क्या प्लान ऐसा तैयार है? ये तो क्या इतना रिलैक्स में मैं बैठता क्या? शांति से आप हमेशा कार्यकर्ता पर ज्यादा बल देते हैं। कार्यकर्ता है इसलिए हम आए और उसको कोई बेवजह तकलीफ देते मैं खड़ा हूँ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। ऐसी मुलाकात जिसके बारे में कई बार आप लोगों ने चर्चाएं सुनी होंगी, खासकर वसई तालुका और पालघर जिले में इस व्यक्ति की अलग ही एक छवि है, चर्चाएं हैं और बहुत बार इनकी चर्चाओं के बीच में 35 वर्ष का जिगरा रहा है। 35 वर्ष से लगातार जनता के बीच काम, लगातार किसी न किसी राजनीतिक उठापटक में इनकी चर्चा, और खासकर चर्चा तब होती है जब इनके कार्यकर्ता खुले मन से एक बात कहते हैं, वो कहते हैं लोक नेता। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उस शख्सियत से जिसने अपने जीवन में, हम वो बात करेंगे इस बार जो अभी तक शायद किसी की चर्चा में ना आया हो, या चर्चा में आया भी हो तो शायद उसकी इतनी चर्चा खुलेआम खुले तौर पर नहीं हो पाई है। आज उन सारी बातों को करेंगे क्योंकि 63वां जन्मदिवस भी है और 63वां जन्मदिवस के अवसर पर भी बात करेंगे कि 63 वर्ष बीत चुके हैं उनके जीवन काल के, आगे क्या सोचा है उन सब पर भी, और खासकर वो बात जो 1990-75 और युवा कार्यकाल के दौरान हुआ। कई सारे युवा हैं जो उन सारी बातों को सुनना और जानना चाहते हैं। आज सीधे मुलाकात करते हैं हितेंद्र ठाकुर से उर्फ अपाई। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। नमस्कार। वो सारे सवाल कर सकता हूँ? कुछ भी। अपक क्या है बचपन के कार्यकाल पर थोड़ा जाते हैं। बचपन में जब बहुत छोटे थे उस दौरान सफाले गांव और ये विरार इसका, और उस समय माता पिता, ये बहुत बड़ी कहानी रहती है आपके जीवन में, जानना चाहते हैं। मेरे पिताजी यहाँ आए थे
पालकर से, मैं माइम, पालकर के माइम से उनके बचपन में हालात की वजह से एक जमाना था कि हमारे दादा वगैरह अच्छे मतलब एम्बेसडर गाड़ी वगैरह हमारा घर उस कार्यकाल में हमारा घर देखा जा मतलब जो था वो देखते तो ध्यान में आता कि जूना वो लकड़ी का बड़ा सा के वेल टू डू थे लेकिन किसी कारण हालत खराब हो गई। पिताजी इधर आए नीचे से काम चालू किया मतलब वेटर से लेके मैनेजर बाद में चलाने को लेना पिताजी बाद में चलाने को लेने का। मेरी माँ भी बहुत अच्छी बिजनेस वूमन थी उन्होंने उस कार्य में मिनी डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप दुकान डाला स्टेशनरी ये स्टील मतलब बर्तन सब जो स्टेशनरी मिलती है वो उसमें अलग अलग दूसरी चीजें बंगड़िया से लेके सब ऐसा किया। दुर्भाग्य से घटना याद है कुछ कुछ लोग बताते हैं तो कुछ याद नहीं। मैं 3 साल का छोटी बहन 1.5 महीना डेढ़ महीने की 1.5 महीना बड़े भाई 8 साल के उससे बड़ी 2 सिस्टर तो 3 सिस्टर 2 भाई तो हमारे 2 चाचा मतलब चाचा 3 थे। एक तो गांव में पूजा देव धर्म सबसे बड़े चाचा थे वो काम धंधे में नहीं थे। पूजा देव धर्म पालघर विरार ऐसा उनका आना जाना रहता था। लेकिन दूसरे चाचा हरिचंद्र ठाकुर अण्णा जिनको कहते वो मास्टर ठाकुर भाऊ उनके घरों में हम दोनों भाई बड़े हुए वहाँ पे 3 बहन नहीं हुआ अन्ना है जो बड़े चाचा थे फर्स्ट क्लास हुआ। बाद में याद आती है माँ की पिता की ऐसी घटना नहीं उसके बाद में जब क्लास गए स्कूल गए तो उस समय 3 साल के बच्चे को उनका क्या याद रहता है। पर नसीब से फैमिली साथ में थी और सब चाचा ने वैसे कुछ कमी नहीं गिरने दिया ऐसा नहीं कमी आया कि याद आया जो उनके लड़के के पास था वो हमारे पास था मतलब भेदभाव नहीं हुआ कभी सवाल ही नहीं उठा। ऐसा हुआ कभी क्लास में जब ये कभी गए और लगा वो फिल्मों में दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं। अच्छा उस वक्त छोटा ये था सबको एक दूसरे को पहचानने वाले विरार में सब लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे टोटली विरार मतलब तो उस वक्त बाहर से कोई लोग वैसे ही विरार में रहने को आते ही नहीं थे बहुत रेयर। तो और सब फैमिलीज एक दूसरे को जानते थे बच्चे एक दूसरे को जानते थे। ऐसा भी नहीं है कि आज के जैसा कौन आगे पीछे पड़ता है सब मतलब हमारे साथ आएंगे वो आगे सीनियर भी थे जूनियर भी थे तो उस वजह से फर्स्ट क्लास याद आती। बचपन में ऐसा कोई शिक्षक जो आपको लगता हो कि बहुत पिटाई या बहुत डांट वो देखो वैसे तो जिला परिषद स्कूल में हम चौथी तक पढ़े जो वहाँ पढ़ाई सातवीं तक तो उस वक्त वैसा ही था चौथी सातवीं तक तो जिला परिषद में पढ़ना बाद में विद्या मंदिर शरारत उस समय भी थी आपकी नहीं नहीं मस्ती तो चल ही रही थी ना दंगा मस्ती बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे जो भी घटना याद है ऐसा कुछ लगा कि आज शिक्षक में ज्यादा देखो स्कूल कॉलेजों में धमाल मस्ती करने वाले जो ग्रुप में थे उसमें से हम हमारा था लेकिन किसी को तकलीफ देके या किसी का नुकसान करके ऐसा कुछ किया नहीं करते नहीं बराबर है। हाँ लेकिन
बचपन में जो जो हरकतें होती है सभी हरकतें, मतलब कोई भी आदमी जो स्कूल कॉलेज में गया है वो बोल ही नहीं सकता कि मैंने कुछ ही नहीं किया। अपने अपने हिसाब से कुछ कम करते कुछ ज्यादा करते, तो ज्यादा करने वालों में हमारी गिनती होती थी। घर पे आके कभी शिकायत कुछ? वो तो शिकायत होती थी, घर पे मार तो बहुत पड़ता था। अच्छा, आपको मतलब किसी की भी गलती हो तो वो सामने वाले बच्चे को नहीं, पहले तो फटकारा हमको जाता था, मारा हमको जाता था कि तूने ही गलती की होगी। अच्छा, तूने झगड़ा क्यों किया, उसकी गलती होगी फिर भी तूने नहीं करना। तो ऐसा कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग किसी भी तो इधर शिकायत करने को, टीचर्स ने मारा स्कूल में तो घर में कंप्लेन करने की हमारी ताकत भी नहीं थी। टीचर्स ने मारा तो सही बात के लिए मारा होगा, सवाल ही नहीं। जो आज के समय में होता है कि नहीं टीचर ने मारा तो पहुंच गया पूरा पेरेंट्स वहां पर। तो मुझे अभी तो ये भी किया है कि बच्चों को मारना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। देखो कोई भी टीचर, मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, आज भी याद आती है कोई भी चीज की, स्कूल की, कॉलेज स्कूल की तो ज्यादा नहीं आती समझो, गिल्ली डंडा से, गोटी से, बिल्ले जो छुड़ा लेमन के बिल्ले खेल खेलना, गोटी खेलना, बैट बॉल तो चालू ही था, लेकिन साइकिल का पहिया चला। हाँ, हाँ, वो भी साइकिल का पहिया आपने किया है? सब गिल्ली डंडे से। पहिया कहाँ से मिला था आपको? कोई भी, वो साइकिल बाद में हमारे स्कूल के बाजू में यार्ड था रेलवे, तो उसमें वो जो छोटा पहिया किसी चीज में लगता है तो उधर बहुत सारे पड़े, तो उस वक्त हम तार से बड़े उसको लेके वो चलाया करते थे। बराबर है, हमारे इतना बैलेंस विद्या मंदिर के स्कूल के इतना बैलेंस किसी बच्चे का नहीं होगा। अच्छा, उतना बैलेंस था आपका? सभी बच्चों का, मेरा नहीं, सभी बच्चों, क्योंकि हमको स्कूल में जानते वक्त पटरी पे से जाना पड़ता था। अच्छा, तो पटरी पे कसरत करते हुए सब बच्चे चलते थे, मतलब छोटे है इतना जो पटरी रहती है उस पटरी पे चढ़ना दूसरे किसी बच्चों को पॉसिबल नहीं होगा, इतना हमको पॉसिबल होता था क्योंकि हमको रोज का ट्रैवलिंग वो पटरी पे से ही करनी पड़ती थी। संघर्ष के थोड़ा ऐसा लगता है कि वो संघर्ष के दिन थे या नहीं, आनंद में? संघर्ष नहीं, आनंद, संघर्ष का ही का। स्कूल में जाना है तो एक ही स्कूल थी तो जाना है उधर ही है। उस वक्त ना स्कूल बस थी ना रिक्शा, रिक्शा तो आई ही नहीं थी हमारे स्कूल के, मतलब बचपन में, बाद में वो स्कूल 78 वगैरह में 76-77 में रिक्शा आई। तब तक घूमना फिरना, कार तो हम लोग ऐसे लंबे से पहचानते थे, नरू डॉक्टर साहब की गाड़ी आई। अच्छा, वर्तक की गाड़ी आई, अरे गिने चुने वसई विरार में गाड़ियां थी उनके पास 10-15 पूरे तालुका में। हम कॉलेज में गए तब तक भी, अरे ये इस डॉक्टर की गाड़ी आई, वो एंड्रन डिस्ट की आई, वो चावरे की आई, नरू डॉक्टर की आई, तो था ही क्या। आज एक बिल्डिंग में जितनी मोटरसाइकिल उतना और कार है, उतनी भी कार पूरे वसई तालुका में या मोटरसाइकिल पूरे वसई तालुका में नहीं थी। जो मैंने बोला वो कि लगभग सब, और मेरे घर में पॉलिटिकल शुरुआत से ही था पॉलिटिकल। चाचा भाऊ भास्कर भाऊ वो ग्राम पंचायत मेंबर, मेरे जन्म से पहले ग्राम पंचायत मेंबर, बाद में उप सरपंच बने, सरपंच बने, नगर पालिका वो तो पहले नगराध्यक्ष बने, उनके इधर तो बहुत कुछ मिला उनसे, उनके इधर ही बड़ा हुआ। तो उनके कोई दोस्त या गांव वाले कोई आते थे कुछ काम से या मिलने, उनके दोस्त मिलने, तो चाय उस वक्त घर में कौन से नौकर, तो जो छोटे बच्चे वही चाय लेके जाते थे। तो शुरू से जो पेपर आते थे अखबार, रुचि रखनी,
रुचि रखना, उनकी जो पॉलिटिकल बात, तो चाचा को बहुत बड़ा श्रेय आपके राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक यात्रा में। अच्छा, बचपन में भाई जो थे पड़े आपके, उनका साथ, उनका नहीं, वो तो साथ में ही रहते थे। माँ बाप की खलेना, अब छोटा है तो खलने नहीं, हम सब तो हमारे चाचा के पास ही रहते थे। उनकी भी उम्र थी 8 साल। हाँ, 8 साल उनकी भी उम्र थी जब माता जी पिताजी गुजर गए। 8 साल उनकी भी सोच कितनी होगी। अच्छा, आज के जैसे हम लोग, आज के जो बच्चे टीवी के वजह से हो, मोबाइल के वजह से हो, कंप्यूटर के, मतलब जितने मेरे हाथ में रहते नहीं या मैं टीवी देखता नहीं, उतने चैनल, कार्टून चैनल या इंफॉर्मेशन आज के बच्चों को पता है। तो आज के बच्चों के इतना, हमारी पीढ़ी स्मार्ट भी नहीं थी। पहले जनरेशन गैप बोलता था, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का। अभी जनरेशन गैप बच्चों में आ गया है कि एक बच्चे से होशियार दूसरा बच्चा रहता है, उसको ज्यादा इस पर चलता है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती है सीखने की। ये इच्छा है एक जानने की कि 3 साल से 15 साल की उम्र तक जब आप मैच्योर हुए, उस दौरान माँ और पिता की एक ऐसी जगह बहुत याद आती थी, लगता है कि नहीं, ऐसा सही बोलूं ईमानदारी से, ये घर में ऐसा माहौल ही नहीं था, कमी नहीं हुई कभी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि चाचा के यहाँ रहकर रहना, माँ बाप रहना, ये किसी को भी आनंद देने वाली चीज है। वो कोई सुख की तो बात किसी के लिए बिल्कुल ही नहीं, लेकिन उसमें सुख इतना ही है कि जो थे चाचा चाची, कभी कमी नहीं होने दी, सभी चाचा चाची जॉइंट फैमिली थे, एक थे आजू बाजू में ही रहते थे सब। तो उसमें अच्छा, हमको खाने का है, उधर जाके खाना है, ऐसा नहीं कि इसी घर में खाने का है, इसी चाचा चाची के हाथ का खाने का है या उस चाचा, जिधर जाओ। आज भी हमारे बच्चे भी जिस घर में गए, ऐसा कोई बाउंड्रेशन नहीं, चाचा के मत जाना, चाची के मत जाना, जाके फ्रिज खोलेंगे क्या है खाने को, मतलब छोटे बच्चे से। आज मेरे को भी अगर किसी दूसरे के घर पे गया और लगा कुछ खाना है तो मांग के ले लिया, फ्रिज खोलने के चले गए खुद ही किचन, फ्रिज खोलने का, किचन घुसने की। आज भी मतलब कोई वो तो बंदी सही नहीं सब, मतलब ये आप बताना चाह रहे हैं कि परिवार अगर एकता है तो वो ज्यादा मिसाल कायम करेगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। सब जन एक दूसरे के घर पे जाना आना, एक दूसरे के घर पे खाना, बच्चों तो हक से, मतलब छोटे जो भी है पोता पोती, तो आज मैं इसके घर में रहने वाले, आज उसके घर में रहने वाले, तो मालूम है उधर गए बच्चे तो ये उन्होंने खाना खाया होगा क्या, उन्होंने ये किया होगा क्या, उन्होंने वो कुछ जरूरी नहीं सोचने की, तुमको लड़ झगड़ के ले लेंगे जो मनता है वो। राजनीतिक शुरुआत कॉलेज से हुई थी आपकी? नहीं, घर से। सक्रिय राजनीति, मतलब आपको लगा कि नहीं अब नहीं, चाचा की इधर रहते वक्त वो सब सुनना, बातें सुनना, ये वो। और जब हम हाफ पैंट में थे तो ग्राम पंचायत की वो, जिला परिषद पंचायत समिति की वो, आमदार की वो, तो हमको कूपन मिलते थे। प्रचार करने जाते थे आप? हम प्रचार भी करने को जाते थे, वोटर्स को स्लिप बांटने को जाते थे, निकालने को जाते थे, बुलाने को जाते थे निकालने को। हाँ, मतलब वोटर्स को। और वो भी वो बड़ा कुशल पैसे के लिए, मतलब होटल में हमको कूपन दिया जाता था, 10 पैसा 20 पैसा 4 आना कि चाचा उधर एक्टिव है वार्ड में, तो बस उस चीट पे लिखा है दिखाया तो उछल मिल जाता था, बड़ा मिल जाता था। तो वो खाने के लिए हम लोग ऐसा कई बार किया, खाने के लिए कई बार मेहनत करते थे। अच्छा, आप इसमें उस दौरान जब इलेक्शन हुआ तो लगता था कि ये इस तरह से गणित और इस तरह से घर वाले बोलते उसका प्रचार करने का, ये तो अकल नहीं थी उस वक्त, बराबर है। बाद में कॉलेज में, कॉलेज में आपको सक्रिय किया गया या आपकी रुचि थी कि नहीं, अब कॉलेज में गया हूँ तो ठीक है,
लीड करूंगा मैं। रुचि थी और मैंने जो बोला वो परिवार से ज्यादा मस्ती, ज्यादा मस्ती अच्छा। करने वाले बच्चे लीडर रहते, ज्यादा मस्ती करने वाले बच्चे लीडर रहते। तो हमने भी कॉलेज में 11वीं में पहुंचे तब से ही कोई आगे नहीं आएगा। ठीक है ऐसा नहीं 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 दादागिरी मारा मारी वो नहीं, धमाल मस्ती करना। अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? अगर कॉलेज में जो मेरे अगेंस्ट ग्रुप थे इलेक्शन में, तो कॉलेज में इलेक्शन खत्म हुआ हम लोग जीतते थे, तो जो हारे जितना मालूम था कि जीतेंगे, जीतते आए मालूम। ये हार वाला कहीं डिक्शनरी में है नहीं? नहीं नहीं हार कोई कभी नहीं कॉलेज में। और कॉलेज में जो मतलब पहले इलेक्शन मिला कि जीते हैं कैसे? क्लासरूम में ही हीरो बन गए तो क्लास से चुन के आना, बाद में कॉलेज के सब जगह पे क्लासरूम में सब अलग 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 क्लासरूम में सब दोस्त, हाँ तो उस हिसाब से पैनल चुन के आता था। तो विकास विचारी जो यहाँ के मेरे खिलाफ एक बार विधानसभा में लड़े, विलास कौन से सन की बात है? विचार साल वगैरह अभी 81 मेरा 63 का बर्थ, 61 का बर्थ, तो 82-83 में वगैरह कभी तो वो मेरे खिलाफ खड़े रहते। उनके बड़े भाई मेरे खिलाफ विधानसभा में खड़े रहते, विलास विचारी। 1995 की बात है शायद, विलास विचारे की बराबर है। तो वो खड़े रहे थे, तो उनका भाई वो हमारे अगेंस्ट पैनल आज अच्छा दोस्त है, आज भी अच्छा दोस्त है। भले वो इलेक्शन में काम मेरा नहीं करता था, लेकिन उसके साथ जो साथीदार थे वो सब मेरा काम करते थे, जो मेरे साथ मेरे अगेंस्ट कॉलेज में मतलब इस पर आऊंगा मैं। मैथ्यू है, बेनू है, अनिल वाज है, प्रकाश वनमाड़ी, जयेश है मेरा, इसमें से तो कुछ मेरे साथ बिजनेस में भी है जो मेरे अगेंस्ट काम करते थे। लेकिन आपके जमील शेख वो अगेंस्ट था कॉलेज के जमाने में, अभी अच्छे मित्र है सर, अच्छे मित्र है। वो मेरे नगर से सेवक बने बाद में आके मेरे नगर से सेवक बने। अच्छा इसमें 89 से पहले कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी? 89 से पहले क्योंकि यूथ कांग्रेस में आप पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे उस समय, एनएसयूआई का पूरी तरह ऐसा था। कांग्रेस में चाचा थे, एक तो पहले ऐसा ही था कि ये फैमिली इस पार्टी की तो ये फैमिली इस पार्टी की, मतलब हमारी कुछ आइडियोलॉजी ऐसा कुछ पर लोगों के काम करना बीच में रहना। घर में सक्रिय पॉलिटिक्स था कांग्रेस ही का, तो बाद में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना विरार का, बाद में वैसे ही तालुका का बना, बाद में एक वजह से 90 का टिकट मिल गया। 90 में जो इलेक्शन हुई कांग्रेस से लड़ ली इलेक्शन। ऐसा था पहले से मन था कि आमदार बनना है? नहीं नहीं आमदार बनना नहीं, पहले तो मन था ग्राम पंचायत का मेंबर बनना, पंचायत समिति में किधर। ये तो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, कॉलेज में भी सक्रिय था, कॉलेज में दोस्त पड़े थे, और तो मैं एकदम से विधानसभा में बबन सेठ, अलमेड़ा साहब जैसे सीनियर लोग थे। लेकिन 85 में इंदिरा जी गांधी उनकी हत्या हुई और एक वेव थी कांग्रेस की, कांग्रेस की। और इसमें 90 के जब 85 में जब कांग्रेस की वेव थी, अनूप चंद शाह लोकसभा में उत्तर मुंबई से खड़े थे, उनको वैसे ही छोटा था उस वक्त 85 में, तो उस वक्त 19,000 उस वक्त का 19,000 लगभग कुछ लीड मिला था वैसे ही से, उस वक्त का 19,000 मतलब आज का 50,000 पकड़ लो, 50-60,000 बराबर है। उस वक्त 1,00,000-1.5 लाख-2 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे तालुका की, आज 5,80,000 मतलब 6 लाख लगभग वोटर्स तो खाली सोपारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो गए, धन में आ गया। तो उस वक्त कुछ हुआ होगा 70-80,000 वोटिंग, उसमें से 19,000 का लीड था, बहुत बड़ी कितना लीड। फिर भी डोमिनिक गुंसरवी जी खड़े रहे और वो जनता पार्टी से, जनता पार्टी से
वो लोकसभा का अनुप चंद झा जी, बाद में गुंसलवी साहब जनता पार्टी से। आपको लगता नहीं है कि जब आप पहली बार आमदार बने उसके बाद आपकी समस्याएं बढ़ती गई, राजनीतिक द्वेष समस्याएं बहुत ज्यादा आती गई, क्योंकि उससे पहले आप पॉलिटिकल इतने पावरफुल उस तरीके से नहीं थे। जैसे आमदार बने तो लोगों की नजरें आप पर आने लगी कि कैसे 19,000 लीड आ गया, कैसे ये आगे बढ़ गया और बहुत सारे चीजें। वो तो देखो पॉलिटिक्स में रहने के बाद आप ये मत सोचो कि आपके शत्रु नहीं रहेंगे, 100% रहेंगे। आप कुछ नहीं करते तो आपके शत्रु नहीं है। आप सुबह गाड़ी पकड़ के नौकरी को जाते हो, नौकरी ईमानदारी से फर्स्ट क्लास करते हो, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, गाड़ी पकड़ के स्टेशन से डायरेक्ट घर पे गए तो आपके बारे में कोई अच्छा नहीं बोलेगा, कोई बुरा भी नहीं बोलेगा। जब पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में अगेंस्ट पार्टी कोई भी। एक घटना याद आती है 1992 के आसपास, शायद 91-92, कि उस समय केंद्र की सरकार राज्य सरकार से नाराज थी और कहा जाता है कि उस दौरान शरद पवार की जगह करीबियों को लगातार हरेस किया जा रहा था। एक पहली बात, तो मेरे को 90 का टिकट मिला, उस वक्त मैं वही बोल रहा था कि 85 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बावजूद 19,000 लोन था, लीड था, तो वो पूरा कवर करके गुंतलवी साहब कुछ 4.5-5 हज़ार देखे याद नहीं जितने वोटों से चुन के आए। तो बाद में तो जो भी राज्य के लीडर थे कि इतने अच्छे पोजीशन में भी अपना कैंडिडेट चुन के नहीं आया, हाँ, एक वेव होने के बावजूद पार्टी का चुन के नहीं आया, तो इसलिए कोई भी लीडर 90 में इतना आसानी सहन कर लेगा ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था, लेकिन जो लोकसभा में उस वक्त 90 से 89 के इलेक्शन में जितने जनता पार्टी के मृणाल जी गोरे को मत मिले थे, मृणाल ताई उनको वोट मिले थे, उतने ही गुंसलवी साहब को 90 में वोट मिले, मतलब उनके वोटों में कुछ कमी नहीं आई। मृणाल ताई का जो लीड था या जितने वोट मिले थे सेम पोजीशन उसके बाद हुए 2-3 महीने के इलेक्शन विधानसभा में गुंसलवी साहब के लिए उतने ही वोट मिले जितने मृणाल ताई को मिले थे, जो कि यहाँ पे पानी वाली बाई करके चर्चित थी, लोगों में नाम था, बराबर है, तो उनके वोट कुछ कम नहीं हुए। मेरे आपके प्रति लोकप्रियता बढ़ी, मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे, एक जो बोलते ना यंग ब्लड, हाँ, के वो यंग ब्लड जोरों से काम, अरे अपना दोस्त खड़ा रह रहा है उनका, हालांकि ना तो पॉलिटिक्स से संबंध कोई लेना देना, हाँ, पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं, उनका पार्टी से कोई लेन देन, दोस्त खड़ा है इसलिए मदद करने का, और ये दोस्तों को मदद करते करते आधे लोग पॉलिटिशियन बन गए, आधे लोग पॉलिटिशियन बन गए। कोई दोस्त आपके सक्रिय कार्यकर्ता भी हो गए, बाकी प्रवीण चट्टी, अजय कोकाणी, भरत गुप्ता, सब कॉलेज वाले तो है, सागर मामरे, प्रवीण चट्टी हुआ, रमेश कोटी जो मेरे साथ है, वो तो इधर का वोटर भी नहीं, लेकिन वो है, बहुत सारे, कितने, नितिन राउत, अभी सब एक एक याद करने पड़ेंगे बहुत सारे ऐसे लोग, संतोष ओळवईकर, सब आपके, उमेश नाईक, कॉलेज के पीरियड के थे, कॉलेज मेरे साथ थे, मेरे पीछे थे, मेरे आगे थे, या फिर मेरे दोस्त के दोस्त थे, मतलब उन्होंने तब से आपका साथ नहीं छोड़ा, कॉलेज में दिया तो वो जो कॉलेज के दोस्त थे, इसमें से कुछ ऐसे भी है, इसमें से ऐसे भी कुछ दोस्त है कि उमेश नाईक वगैरह मेरे साथ कॉलेज में, नितिन राउत वगैरह मेरे को जूनियर, लेकिन साथ में थे जूनियर, अभी उमेश नाईक वगैरह कॉलेज के टाइमों में जान पहचान नहीं, लेकिन आगे जान पहचान, बराबर है। 90 के बाद में अखबार आपके खिलाफ हो गया, मैंने देखा था 1994-93 का, मेरे खिलाफ कोई नहीं था, और बड़े बड़े शब्दों में अलग अलग वाक्य, मेरे खिलाफ कोई नहीं था, वो पॉलिटिक्स था, उसके बावजूद वो पॉलिटिक्स था, वो पॉलिटिक्स, पहली बार जब आपने सुना कि गुंडा शब्द लिखा है तो कैसा लगा?
एक ध्यान में रखो, बचपन से हमारे मराठी में बोलते बाळकडू, तो बचपन से राजकारण क्या है, अकबर तीसरी चौथी से पढ़ता था, तो जो भी आरोप प्रत्यारोप होते थे वो उस वक्त से मालूम थे। तो पॉलिटिक्स में आने के बाद आपने सोच लिया था सारे बार आएंगे तो मैं सार इतना होएगा, कुछ ये मालूम नहीं था, जो जरूरत से ज्यादा हुआ वो ठीक है, वो जरूरत से ज्यादा था। अभी ये कांग्रेस का इंटरनल झगड़ा था केंद्र में राज्य में, कहानी क्या है इसकी? नहीं, क्या हुआ उस वक्त, तो नरसिंह राव जी प्राइम मिनिस्टर बने, राजीव जी गांधी की उनकी जब हत्या हुई है तो नरसिंह गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उसी वक्त पवार साहब भी इंटरेस्टेड थे, ठीक है, सभी पॉलिटिशियन सीएम के लिए, पीएम के लिए, अच्छा पीएम के लिए इंटरेस्टेड थे, वो भी इंटरेस्टेड थे, कैपेसिटी भी थी, लेकिन ये पार्टी दिल्ली का राजकारण पार्टी ये वो सबसे नरसिंह राव जी बन गए। लेकिन नरसिंह राव जी देश के पंतप्रधान बने, अच्छे साहित्यिक थे, अपने महाराष्ट्र से भी चुन के गए, उनको भी थोड़ा तो ये होगा इंपीरेटिव कॉम्प्लेक्स होगा या कुछ होगा कि ये मेरे आगे निकल ना जाए पवार साहब। उस वक्त एक जैन हवाला डायरी निकली थी, उसमें अर्जुन सिंह जी का नाम, बीसी शुक्ला, शुक्ला ब्रदर्स मध्य प्रदेश से थे, ऐसे जो अलग अलग स्टेट के जो कॉम्पिटिटर थे या दिग्गज नेता थे उनके पीछे भी ये सब इंक्वायरी ये वो लग गया था। तो पवार साहब को डैमेज करने का, इसलिए तो इनके कौन से करीबी हैं उनको टारगेट किया गया? अच्छा, मैं पवार साहब के करीबी नहीं था, जो एक एमएलए और सीएम का संबंध, पार्टी के सीएम का, तो वैसे ही मेरा 90 में टिकट देते वक्त भी मेरे को वैसे ज्यादा सपोर्ट किया था तो दो नेताओं ने, एक अंतुले साहब, ए आर अंतुले जो कोकण के नेता थे, हाँ उनके यहाँ तक मैं मांगने गया था टिकट, तो उन्होंने मेरे को जोर शोर से, और दूसरे थे माणिकराव ठाकरे जो यूथ कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष थे, तो माणिकराव ठाकरे जी ने भी आग्रह धरा था मेरे लिए कि यूथ कांग्रेस के कोटा पूरा होना चाहिए, यूथ को ज्यादा में ज्यादा उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, उनकी ये भूमिका थी। हाँ, वो उनसे मेरे कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन ये यूथ अगर मांग रहे और चुन के आने का पोटेंशियल है तो इनको टिकट मिलना चाहिए। तो मेरे को अंतुले जी का आशीर्वाद था, यार अंतुले जी जो अपने चीफ मिनिस्टर थे, बाद में एक डैशिंग चीफ मिनिस्टर, डैशिंग केंद्रीय मंत्री नेता, और माणिकराव ठाकरे जी, इनका ज्यादा सपोर्ट था। और दूसरे लीडर ने तो ये सोच लिया था आने वाली नहीं है सीट, जाने दो। अच्छा, ये विचार करके आपको दे दिया गया था सीट आने वाली नहीं है, और उनके बाद में सब कह रहे थे ना कि इनके फेवर के इतने उम्मीदवार हुए, तो इस लीडर के भी फेवर के इतने, इस लीडर के, शंकर राव चव्हाण जी थे, पवार साहब थे, अंतुले साहब थे, गाडगिल साहब थे, साठे साहब थे उस वक्त, तो ऐसे सब लोगों को उनके मर्जी के देते थे। तो इधर किसी के मर्जी का, दूसरे किसी लीडर की मर्जी का उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि ये चुन के ही नहीं आने वाली सीट है, ये मान लिए थे पूरी तरह। तो गोंसाल्विस का भी वोटिंग उतना ही रहा, लेकिन मेरे सब लोकप्रियता में बढ़ गया, नहीं नहीं यूथ जुड़ता, उस वक्त मेरी लोकप्रियता नहीं थी, कॉलेज में जो कुछ जीएस ये वो लीडरशिप की थी वो दिखाने जैसा मेरे पास काम कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन वैसा कुछ नहीं था, प्रेजेंट करने जैसा घर में पिताजी ने, चाचा ने जो काम किया उसको बता कर, उनका बैकग्राउंड, और बाद में जो अलग अलग जाति धर्म के यूथ काम पे लगे, उन्होंने अपने अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास जाके जो प्रचार किया, इसलिए ना निकलने वाले वोट भी निकल गए।
मेरे उनके हिसाब से कि कोई मित्र है उनके हिसाब से, मतलब किसी ने 100-200 वोट लाए, किसी ने 500 लाए, किसी ने 50 लाए, जो ला सकते हैं। तो उस समय भी ये सुनने में आया था कि आप आमदार बन गए थे, उसके बाद भी सरकार को जोड़ने और तोड़ने का काम था, उस समय आप बेखौफ थे, कई सारे आमदारों को छुपाया जा रहा था उस दौरान भी, ऐसा मैं उस समय भी आप अपने ऑफिस पे थे और अपना वो कहानी क्या है? नहीं नहीं, वो तोड़ा जोड़ा नहीं, वो जब ये हुआ था नारायण राणे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, बराबर है ना, वो उस वक्त तो कोई तोड़ जोड़ नहीं थी, अब मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन आमदारों को थोड़ा नहीं, 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 उस वक्त तो 85 से 99 सेना बीजेपी का राज था, तो उनको कुछ अपक्षों का सपोर्ट था, कुछ अपक्ष ये भी थे, और नारायण राणे जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो बड़े ठाकरे साहब बालासाहेब ठाकरे जी का डिसीजन था कि मनोज जोशी जी को बदल के उनको करने का, तो उस वक्त उसमें आपसी उसमें था वो, नहीं 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 उसमें कोई चिंता नहीं, उनका पार्टी का, अरे वो बड़े पक्ष उनके पार्टी का था, मनोज जोशी जी का कुछ अगर ऐसा लगा होगा जमा नहीं होगा, तो बालासाहेब ठाकरे जी ने उनको चेंज किया और इनको बैठा दिया। आपका मनोबल नहीं गिरा जब आप 95 के उससे पहले जब इलेक्शन आपको बाहर आए आप, तो उसके बाद इलेक्शन लड़ने के लिए एक होता है ना कि मैं बहुत सारा हैरास सहकर आया हूँ, तो उस समय 95 में आपको टिकट नहीं दी गई? मैंने क्या बोला, जो स्कूल में ज्यादा दंगे मस्ती करते हैं बच्चे वो उतने स्ट्रांग रहते हैं, लगा था कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और फिर कांग्रेस से टिकट मांगा, 95 से मांगा ही किसने? अच्छा आपने मांगा भी नहीं था? किसने मांगा? कांग्रेस कहती है कई बार दबी आवाज में कि आपके बैकग्राउंड को देखते हुए टिकट हमने नहीं दिया था। 90 में मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा और कांग्रेस ने दिया, उसका बैकग्राउंड मैं बोल चुका हूँ। 95 में मैंने किसी पार्टी से टिकट मांगा ही नहीं। नई पार्टी का निर्माण कर लिया फिर आपने? मैं मेरा उस वक्त वसई विकास मंडल, वसई विकास मंडल, बाद में बहुजन विकास मंडल, तो वसई विकास मंडल। तो कांग्रेस से कई लोग आपके पास तोड़ के आ गए थे उस समय भी, कई लोग छोड़ के कांग्रेस आपके पास साथ जुड़ गए थे? सभी लोगों को मालूम था मेरे पे अन्याय हुआ है, जिसमें दोषी नहीं है, बराबर है, पहले आरोप करना, ताड़ा लगाना, बराबर है, तो कुछ प्रूफ हो, कुछ बातें सामने हो, तो ये किया जाता है। मेरा पहले ताड़ा लगा और बाद में वो टाड़ा के हिसाब से, मतलब जिस दिन टाड़ा लगा तब तक एक भी विटनेस या एक भी आदमी मेरा नाम नहीं ले रहा है। अभी वो नरसिंहराव जी का राजकारण हो, उनके राजकारण के हिसाब से सुधाकर राव जी नाइक उनके खेमे में चालू गए, और जिनको पवार साहब ने बीए किया था, सीएम किया था, तो सुधाकर जी नाइक उस खेमे में चले गए, अच्छा प्रूव करना रहता है आपको जिन पे आरोप है उनको कि मैं निर्दोष हूँ। पुलिस थोड़ा ये करती है, पुलिस ने अपना ऊपर वालों का सुना, लगा दिया, और मेरे सामने मेरे खिलाफ बोलने वाला जो है, तो आज 26 तारीख को ताड़ा लगाया और 1 तारीख को अक्टूबर के मेरे सामने विटनेस जमा किया, ऐसी हालत हुई थी। विटनेस ही नहीं, तब तक मेरे नाम किसी ने नहीं लिया, मेरी चार्जशीट देख लो जो कोर्ट में चलता है ना, तो ताड़ा लगाया तब तक का। अच्छा मैंने कुछ किया है उसमें, कुछ ये चार्जशीट पूरी पढ़ लो, आज भी पढ़ लो, किसी वकील को दिखा लो। जब बाहर आए तो लगा नहीं कि बहुत सहकर आए हैं, अभी भी जनता के बीच वैसे ही जाना है, मनोबल टूटता है ना, बहुत बार तोड़ दिया आता है अंदर उतने, लेकिन आया उसके, खड़े कैसे हो पाए? आया उसके दूसरे दिन, जिस दिन आया उसके दूसरे दिन वसई मच्छीमार समाज जिधर रहता है, पाचू बंदर, किला बंदर, उधर कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो आया रात को, पहुंचा पुणे से, निकला इधर आने को रात हो गई, दूसरे दिन सुबह उधर पहुंच गया था।
घटना स्थल पे। तो उधर के लोग जमा हो क्या, अरे आप कल आने वाले थे, मतलब उनके दिमाग में ऐसा कि आज छुट्टी ही डायरेक्ट वैसे ही पहुंच जाऊंगा। लेकिन पूना से छूटने के बाद वो फॉर्मेलिटी करते करते दोपहर होती है, शाम होती है, उधर से निकले तो आते आते रात होती है, ये भी नहीं। लेकिन उन्होंने बोला अरे तू कल आने वाला था हमारे पास, लेडीज लोग उधर के जो उनको नॉलेज नहीं है, तो लेडीज लोग बोलते तू कल आने वाला था, नो लेट हो गया। तो उस वक्त नहीं नहीं हम पे ऐसा अन्याय हुआ, वैसा अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वगैरह वगैरह। तो दूसरे दिन मैं निकल गया, बस उधर से निकला, उधर से मतलब ऐसा सोचा नहीं कि विरोधक क्या बोलेंगे, अब जाऊंगा तो आ गया, चलो अपना अपना काम करो, लगो काम पे, अपना काम करो। 95 का इलेक्शन कठिन नहीं था आपके लिए, क्योंकि उसमें उसमें हाँ तीन बार आगे गया और आपने ये बोला कि मुझे जेल में डालो लेकिन इलेक्शन करो। गुड़कर कमेटी, बाद में अपने जो कोंकण कमिश्नर थे उस वक्त उनकी कमेटी अपॉइंट की, तो उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं आया, कोई ऐसा बोलने ही नहीं आया कि हमारी कॉलर पकड़ी, हमको दम दिया, हमको मारा, हमको आंखें दिखाई, बराबर है। तो उन्होंने भी किधर दहशत है लेकिन वो दिखती नहीं, वो हवा की तरह है, महसूस होती है। ये आपके विरोधक ने बयान दिया था कि यहाँ एक ऐसा दहशत हवा, मेरे को एक ध्यान भी नहीं आता है कि हवा की तरह है, महसूस होती है लेकिन दिखती नहीं, तो प्रमाण नहीं मिलते। मैंने तो फिर आप पुलिस कंप्लेन किसी ने किया क्या, एक कंप्लेन की क्या कि चलो इसपे ये किया है, ऐसा कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं। 95 का इलेक्शन कठिन नहीं था आपके लिए, इधर जो सब पूरे महाराष्ट्र की इलेक्शन हुई थी और यहाँ के बाकी थी, इधर की बाकी थी। तो उसमें आप घबराए नहीं उस समय? उसमें 101 लोगों को तो खाली डिटेंशन ऐसा ही, ऐसे ही जिन पे एक एनसी नहीं, ऐसे सब आप ही के करीबी लोग थे सारे, हाँ कार्यकर्ता, हाँ जिनका कोई पुलिस स्टेशन से कभी संबंध नहीं, जिनका घर से कोई कंप्लेन नहीं, बाजू वाले से कोई कंप्लेन नहीं, ऐसे लोगों को भी अंदर डाला था। कुछ लोगों पे जो छोटी मोटी तकरारें थी, कंप्लेन थी, तो उनको मैंने बोला कि आप निकल जाओ, मेरे लिए जेल में कोई मत जाओ। मैंने बोला हम रुकते नहीं, बोला रुको ही मत। तो ऐसे 50 जन बाहर गए, मतलब जाओ चार दिन, जब इलेक्शन होगी उसके दूसरे दिन आ जाओ। देखो लगा नहीं मुख्य कार्यकर्ता चला जाएगा तो नहीं, आम जनता दहशत बोलने वाले पॉलिटिशियन थे, लेकिन दहशत में ये बोलने वाले आम लोग थे। तो हम लोग तो उल्टे ज्यादा जोर से निकले ना मेरे लिए, तो मेरा लीड कोई कमी नहीं हुआ, मेरे लीड में कोई कमी नहीं आई। कितनी लीड हुई थी 1990 के, उसमें 46,000-45,000 19 में थी, और उतने ही लीड इतने सब बाद में शिवसेना के दिग्गज नेता, मतलब मैंने क्या बोला, मुंबई और थाना में से जो भी फ्री हुए थे वो सब इधर, तो क्योंकि यही इलेक्शन बचा था। दिगे साहब हो गए, गणेश नाइक जी, शबीर शेख जी, बीजेपी के सभी दिग्गज नेता, यहाँ से अपने केंद्रीय मंत्री उत्तर मुंबई से जो रामभाव नाइक जी, और बीजेपी के अलग अलग, बाद में सभी मुंबई थाना के शाखा प्रमुख, शहर प्रमुख, वार्ड प्रमुख, एमएलए जो खड़े थे, जो एमएलए पहले रह चुके थे, जो भी नेता थे, ऐसे पूरे पलटन के पलटन इधर बाहर से सारे इधर आई थी, धमाल इलेक्शन थी। आज भी याद आता है वो, बहुत मजा आया। धमाल के इलेक्शन कैसे लड़ने का, तो 95 ने सिखा दिया और मजा कैसे लेने की वो भी दिखा दिया। उसके बाद 99 के और ये 2003 के आसपास लोग बताते हैं, आप जब सरकार को मेजोरिटी की जरूरत थी उस समय आपको बुलाया गया,
आपसे ये बोला गया कि मंत्री बन सकते हो, ये ऑफर ये ऑफर। मैं कभी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा ना तो उसमें सब सच्चा सच्चा लिखूंगा। तुमको आश्वासन दिया था, कितने कितने आश्वासन दिया, कितने कितने नहीं दिया, कितने कितने कौन से आश्वासन रखे, कितने कितने कौन से आश्वासन तोड़ दिए। कभी किताब था ना मंत्री बनने का आपको पूरा? कभी किताब लिखूंगा। मैंने मेरे कामों को प्रायोरिटी दी। मैं कॉलर मांग पकड़ के पोस्ट मांगने वालों में से नहीं है। मैंने आके कामों को, कोई भी इलेक्शन हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट किसका है उससे ज्यादा मेरे एरिया का काम कौन करेगा, ये मेरे को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। आपके वोट की उसमें बहुत कीमत है। आप चाहते तो बन जाते मंत्री। भले भले मिनिस्टर बने, भले भले गिरे, मिनिस्टर बना इसलिए आदमी चुन किया था ऐसा कुछ नहीं। नगर आमदार के हिसाब से भी काम किया। ठुकरा क्यों दिया था ऑफर? वो ऑफर मना क्यों कर दिया? के लिए अपने को जिसमें जाने का नहीं, रास्ते में है तो आए देखेंगे। आज लगता है कि कुछ नहीं, अफसोस अफसोस किसी भी चीज का नहीं। मिला उसमें खुश है, जो मिला नहीं उससे दुखी नहीं। प्रवीणा ताई से आपकी मुलाकात कैसे हुई? हमारे घर के बाजू वाली। अच्छा, मतलब टचो टच घर, दोनों दोनों चाचा का घर, टचो टच। बचपन में से ही जानता था और कॉलेज में मेरे को जूनियर, तो कॉलेज में हिम्मत हो पाई थी आपकी? एक इम्प्रेशन जो रहता है तो आपका पूरा रुतबा था? नहीं नहीं, मैं सीनियर था तो उधर सब लोगों पे उनके फ्रेंड थे, ये थे वो थे, उनके सीनियर थे या रिश्तेदार थे, कोई थे तो बोलते हो रहे आपके इधर का लड़का वो जो है धमाल करता है उधर, ये करता है वो करता है, तो हीरो टाइप इमेज हुई थी। कॉलेज में प्यार हो गया, हो गया, आगे शादी होगी। पहले किसने बोला था आगे चल के हिम्मत हो पाई थी कि बात करूं? नहीं, बात तो हम करते थे, सब बाजू वाले थे, फैमिली रिलेशन भी थे। वो गुजराती होने के हिसाब से उनका विरोध था। अच्छा। ठीक है ना, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वो बातचीत करने में पाबंदी नहीं थी। जब मालूम गिरा तब पाबंदी बड़ी तो तब तक कुछ नहीं उनके। अच्छा, पाबंदी बड़ी तब आपको तकलीफ हुई? उसके मतलब फैमिली के दूसरे मेंबर भी, मतलब फैमिली में उनके भाई कजिन ये वो सभी लोगों से बात हुआ करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि फैमिली से ही रिलेशन था। आपने सामने से कब कहा फैमिली को? उनके चाचा भी पॉलिटिक्स में थे। अच्छा। सेम कांग्रेस में मेरे चाचा भी थे, वो भी ग्राव के डिप्टी सरपंच, सरपंच, नगराध्यक्ष बने, मेरे चाचा भी वो बने, तो साथ में ही काम करते थे, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं थी बात बीत करने में। लेकिन ये थोड़ा फिर प्रॉब्लम होता है क्या, गुजराती मराठी वगैरह बहुत सारी चीजें, ये चीजें सभी घर में होती है। वो ऐसा नहीं है कि उनके घर में हुआ, सभी घरों में थोड़ा होगा। नहीं, लोग क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, ये बहुत सारी चीजें, ये आज भी चलता है अपने इधर। अच्छा, एक होता है ना कि जिंदगी में कोई ऐसी मोड़ जहाँ पर हमारी शादी होने के बाद सब सब्जेक्ट खत्म हो गए। नहीं, दिक्कतें मैं नहीं पूछ रहा, हम उधर जाते हैं उनकी फैमिली टोटल हमारे पास आती है, बराबर है। किसी के घर में कुछ है, आज भी दिवाली को सबकी जगह जो बड़े बुजुर्ग वो जवान उनके पैर पड़ने की जरूरत नहीं। उस वक्त से फिर जब शादी तक विरोध था, उसके बाद शादी के होने के बाद फिर ताई, प्रवीणा ताई की ऐसी कोई बात जो लगता है कि उन्होंने ये सलाह दिया एक महिला के रूप में, एक जीवन संगिनी के रूप में, वो सलाह बहुत कम। सलाह एक नहीं, हर वक्त सलाह देती है। एक तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी की बीवी ऐसी है कि जो सलाह नहीं देता। ठीक है, बीवियां देती है सब पोजीशन में। 82 में जब मेरे को 92 में जब मेरे को
उस समय भी वो आपसे बातचीत 92 में जब मेरे को जेल वगैरह ये सब हुआ तो बच्चों को ध्यान रखना, उधर मिलने आना, इधर का सब संभालना, आज भी पॉलिटिक्स में मेरा क्षितिज का छोड़ो, तीनों जगह जिधर जिधर अपने कैंडिडेट है, वो नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, आमदार की हो, खासदार की हो, जो भी बुलाते है और ये करते तो वो जाती है। तो आज भी हमारे बैठ के डिस्कशन होता है कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, तो उसके उसको जो जो समझ में आए उस हिसाब से ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वगैरह वगैरह। वो मानना ना बनना वो बराबर है या गलत है उस पर सब डिस्कशन का एक पार्ट, और मैं फिक्स करूँगा लास्ट में। लेकिन बोलने का काम आज भी इलेक्शन में आप देख रहे हो, हाँ, पूरी तरह सक्रिय रहते, सक्रिय रहना बराबर है। तो उसके इलेक्शन में मेयर बने तब तक मेरे खड़ी रहने को तैयारी नहीं थी, लोगों ने बोला नहीं आप खड़े रहो, जबरदस्ती किया वसई में से, वो भी विरार में रहते हैं हम, लेकिन वसई में से उसको खड़ा किया गया स्टेशन, वसई स्टेशन और अनुपोज चुन के लाया, और वो वार्ड बिल्कुल दूर है, दूर है और महापौर बने। तो आज भी अलग अलग मंडलों के साथ वो जुड़ी हुई है, अलग अलग समाजों के साथ जुड़ी है, सब समाजों के प्रोग्राम में जाना है। ये मंदिर का सपना उन्हीं का था, द्वारिका के थी। मैं स्कूल कॉलेज वाला हूँ, मैं मंदिर में ज्यादा इंटरेस्टेड, मतलब मैं इंटरेस्ट मतलब बनाना, मतलब बनाना शिक्षा को बढ़ावा देना इस पर नहीं, 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 मैं शिक्षा को ज्यादा में ज्यादा क्या स्कूल करने की, क्या कॉलेज करने का, कौन से कोर्सेज करने का, कौन से नए कोर्सेज लाने के, तो उसमें उसकी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा नहीं है ऐसा नहीं। मैं रोज घर में आधा मिनट एक मिनट भगवान को पैर पड़ता हूँ, बाद में ही घर के बाहर निकलता हूँ। रास्ते में कोई भी मंदिर आवे, मस्जिद आवे, चर्च आवे, गुरुद्वारा आवे, तो इबादत करके आगे जाने वाला हूँ। मैं मानता नहीं ऐसा नहीं, मैं भक्तों में से नहीं गिना जाता मुझे, मुझे खाली भगवान 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 ये उपवास आज वो उपवास आज ये खिलाफ नहीं है, लेकिन ज्यादा उसके मेरे घर में सब जो करते हो क्यों। मैं लास्ट 31 साल से जैन उपवास रहते, मेरे दोस्त ने जैन दोस्त है उन्होंने कहा था, तो जैन उपवास करता हूँ 8-8 दिन पानी पे रहना। आज भी करते हैं आप? आज भी करता हूँ, इस साल भी हुए थे, तो 28 करना 31 साल से, उसमें से 1-2 साल इलेक्शन लगे थे कोई नगर पालिका के अंदर की, तो कर नहीं सका, मतलब आज 28-29 तो कन्फर्म मेरे 28 हो गई, तो वो ठीक है 28 करता हूँ। जैन धर्म के मेरे दोस्तों ने बोला था कि कर, वही प्रॉब्लम की पहले 1894 में की जब मैं छूट गया है उसको, तो वो दोस्तों ने बोला कि उन्होंने कभी किधर किया था उनका दिल रखने के लिए किया, लेकिन मैंने ब्लड यूरिन स्टूल वगैरह का जो 28 से पहले रिपोर्ट निकाले और 28 के बाद निकाले तो मेरे काफी अच्छे रिजल्ट आए। तो एक तो भगवान का काम क्या, ने क्या उपवास किया ये भी होता है, और अपने रिपोर्ट भी अच्छे निकलते हैं हमेशा। वो मेरे ख्याल से वो आपका पूरा शारीरिक पूरा मतलब निकल जाता है जो भी है पूरे शरीर के, और शांति मिलती है। सिर्फ सिर्फ पानी में इतनी ताकत है, ये मैंने अनुभव किया कि 8 दिन पानी के ऊपर रहने के बावजूद भी डिटॉक्स जिसको बोलते हैं कि पूरा शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण हो गए, तो इसलिए मैंने वो कंटिन्यू रखा। एक और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालयों को तैयार करना, विद्यालय से महाविद्यालय तक का सफर, ये सोचा कैसे आपने, क्योंकि 95 और 99 के बीच में तो समय ही समय नहीं मिला होगा। मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। एक वल्वी या कुछ हमारे इधर एजुकेशन ऑफिसर थे वसई के, शायद आदिवासी समाज के थे, तब तो मैं आमदार भी नहीं था, तो मेरे को बोलता है अरे तुरे करके, कि वो मेरे एक दोस्त के साथ पहचान थी तो उसके साथ आए थे, अरे बोलते तेरे जैसे लड़के ने स्कूल करना मांगता है, तो मैं हंसा,
मैं हंसा सिर्फ स्कूल करने नहीं नहीं तू कर कर अरे दूसरे सब करती है 88-89 की बात अच्छा और दूसरे सब करते हैं हाँ तो तू तो आराम से कर लेगा बिल्ला रे और यंग एकदम मैं फॉर्म भेजता हूँ फॉर्म भेजो 5,000 रुपये का चलन भेजो उसके साथ बाकी मैं करके देता हूँ तो मैं अपना चलन उसने बोला मेरा दोस्त पीछे लगे भर दिया चलन 5,000 रुपया भर के चलन और फॉर्म और भूल गया तो स्कूल चालू होते जून में और मुझे लेटर आया मराठी मीडियम के स्कूल 10 जुलाई को उत्कर्ष पहले डाला था आपने उत्कर्ष की शुरुआत सबसे पहले की हाँ तो 10 जुलाई को जिस दिन मेरे मतलब क्षितिज ठाकुर का जन्म हुआ हाँ। उस दिन वो लेटर आया और 18 जुलाई को हम लोगों ने स्कूल चालू 4 दिनों में मतलब 8 दिन ऐसे होते हैं 4 दिनों में गुरु पूर्णिमा थी उस वक्त तो मेरे सभी स्कूल कॉलेज जो भी चालू हुए नए तो लगभग गुरु पूर्णिमा को ही लगभग नहीं 100% गुरु पूर्णिमा को ही मैं शुरुआत करता हूँ तो वो 18 जुलाई गुरु पूर्णिमा और दूसरा हमारा 89 शायद तो उस वक्त गुरु पूर्णिमा थी और हमारे शादी की सालगिरह भी थी तो दो दो मुहूर्त एकदम आए तो फर्स्ट स्कूल चालू हुई है 18 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन और बाद में वो बड़ी 10वीं तक हुआ आगे 2-3 साल ऐसे ही निकल गए बाद में आमदार होने के बाद चौहान करके इधर के दूसरे एजुकेशन ऑफिसर थे 35-40 बच्चे वहाँ से शुरुआत हुई थी 35-40 बच्चे किसी को एडमिशन नहीं बोलता है सब इधर ही आते थे मेरे पास तो मैंने चौहान ने एजुकेशन ऑफिसर को काम पे लगाया किधर भी एडजस्ट करो इन बच्चों को वो बेचारे सब कॉलेज जूनियर कॉलेज में जाके स्कूलों में जाके दो लो पाँच लो जिधर पॉसिबल था उन्होंने लिया नहीं लिया बाद में 8-10 दिन बाद मेरे पास आया आमदार साहब आपके स्कूल में 11वीं 8 चालू करो मैं बोला अरे भाई मैंने आपको काम पे लगाए आप तो मेरे को ही काम पे लगा नहीं 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 बोलता बहुत थक गया मैं कोई नहीं दे रहा है सबकी ये खुलो भी अब इधर चालू करो अपनी परमिशन मतलब परमिशन तो मिल जाएगी मेरे को लेकिन ये नया बोझा क्यों डाल रहे हो ये एडजस्ट होते नहीं बोलता आठ चालू 35-38 जो भी बच्चे थी शुरुआत थे मतलब उनको कम से कम सबसे स्कॉलर लड़का था वो डबल मार्क्स लिस्ट लेके आया था बाद में किसी की ट्रिपल मार्क लिस्ट किसी की 4 बार एसएससी की परीक्षा तो ऐसे बच्चे लेके जूनियर कॉलेज चालू हुआ अच्छा स्कूल भी चालू करते वक्त ये जो इधर बैठे शिरगांव चंदन सार वैतरणा क्योंकि 7 जून को स्कूल लगभग चालू होती है 18 जुलाई को 1 महीने बाद मराठी मीडियम के लिए कौन राह देख बैठेगा बच्चे तो इधर से 5वीं फेल हुए ले बच्चे घर स्कूल छोड़े हुए 7वीं पास हुआ स्कूल छोड़ा 8वीं फेल हुआ स्कूल छोड़ा ऐसे सब बच्चा उनको वो ट्रैवलिंग फ्री बस वगैरह का खर्चा हमारा नो फीस उनके ड्रेस चप्पल जूते से लेके ड्रेस सब और एक टाइम दोपहर का खाना भी अवेलेबल होता था उसको करके देना तो आएंगे ना वो बच्चे ऐसी है पहली 5वीं और 8वीं की बैच और उन दोनों बैच को उनका एजुकेशन पूरा होने तक ये सब हमने फ्री रखा उसमें से आश्चर्य लगेगा कि उसमें से एक हद दूसरा बच्चा इंजीनियर भी बन गया मतलब जो फेल कैटेगरी थे और उसको प्रमाकर मात्री करके एक सर मिले उन्होंने स्कूल में अच्छा डिसिप्लिन लाया बाद में जूनियर कॉलेज से सीनियर कॉलेज हो गया नहीं चलो अभी ये भी कर लेते इंजीनियरिंग कर लेते एमबीए कर लेते एमसीए कर लेते फार्मेसी कर लेते शायद लॉ हो गया
सारे डिपार्टमेंट लगभग लगभग आपने ले लिए। लॉस सब है, मेडिकल पैरा मेडिकल छोड़ा तो सब, मुंबई यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा कोर्सेज और सबसे ज्यादा बच्चे होने वाली स्कूल कॉलेज अपना है। अरे वाह, 6,500 तो 11वीं के एडमिशन करता हूँ। सोचा था कि इस तरह का एम्पायर खड़ा हो जाएगा? मैंने कुछ सोच के किया ही नहीं, जो किया वो होते गया, चलो देख लेंगे। 2009 एक, 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 एक फर्स्ट क्लास मेरा ग्रुप जो है, जो मेरे शुरू से दोस्त है अभी भी है, कुछ नए जुड़े, हर तरीके से सब काम में जोरों में मदद करते हैं। मतलब ये एक अकेले इतेंद्र ठाकुर ने किया, वो जो ग्रुप है उसमें लगातार आपके साथ खड़ा रहा, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी। 2009 में क्षितिज ठाकुर को मैदान पे क्यों उतारा? एक होता है ना, तीन बेटे हैं ये परिवार है, पर 2009 में विधायक चुनाव के लिए उनको ही क्यों उतारा, उनको उत्तराधिकारी बनाने के लिए? या ऐसा स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं, स्पेसिफिक ऐसा रीजन नहीं, वो बड़ा था तो वो क्या कोई गुण ऐसा देख कर लगता ये उत्तराधिकारी। वो भी स्कूल में वो ये देखो, एक तो उनका हार्वर्ड स्टैनफोर्ड ऐसे जगह पे एजुकेशन हुआ है, उनको दुनिया की सोच है, समझ रहे दुनिया में क्या चल रहा है। आज भी उनका अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेस किया, उनकी एक एनुअल मीट रहती है, कभी भारत में रहती है, कभी किसी दो और देश में, कभी यूरोप अमेरिका, मतलब कोई भी देश में, तो हर साल ये लोग उधर जाते हैं, नया कुछ सोच उन मित्रों में से लाते हैं, उनके जो सब मित्र हैं बड़े बड़े पोजीशन पे है, बड़े बड़े कंपनीज पे है, कोई सीईओ है, कोई एमडी है, इस लेवल के, तो उधर विचारों का आदान प्रदान होता है। मोंटी और क्षितिज दोनों जाते हैं, बाद में जो छोटे वाले हैं चिकू है, मतलब भाई का लड़का दीपक ठाकुर का, या रोमी भाई का, या हमारे घर के दूसरे बाद में हनी डिंग की, सब अलग अलग देशों में जाके कुछ न कुछ कोर्सेस कुछ न कुछ पढ़ के आए, तो उनको एक नॉलेज, मैंने पहले बोला वैसे कि नई पीढ़ी को नॉलेज अपने से हमारे पीढ़ी से ज़्यादा है, बराबर है, और वो बड़ा था। आपने ये नहीं सोचा कि उत्तराधिकारी बनेंगे, आगे पार्टी संभालना है, ऐसा कुछ सोच करने की? उत्तराधिकारी वही सवाल ही की जरूरत है। अभी दुर्भाग्य से मानकर साहब 9 में दूसरे सीट पे वसई पे से खड़े रहे, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ इसके वजह से मानकर साहब वसई से हारना पड़ा, 10-12-13 हजार वोटों से वो हारे, बराबर है, ठीक है, वो चुन के आते और मेरे से अच्छा काम करते, काम तो अच्छा ही करते, लेकिन शायद मेरे को ये भरोसा था आपको ऐसा? नहीं नहीं, मेरे भरोसा था ऐसा नहीं, मेरे को उससे कोई फर्क ही नहीं गिर रहा था कि अगर वो चुन के आते अच्छा काम करते मेरे से शायद अच्छा काम करते, मेरे से कार्यकर्ताओं को ज्यादा अच्छा ज्वाइन करते, तो 14 में भी उनको ही खड़ा करना पड़ता, तो मैं बाहर ही रहता, तो कौन सा फर्क गिरता मेरे को, ठीक है मेरे जगह पे वो काम कर रहा है और काम तो ग्रुप के हिसाब से ही करेंगे। कुछ कहते हैं कि इतने ठाकुर अपने ऑफिस में बैठकर लोगों को ट्रीट करते हैं लेकिन लोगों के बीच नहीं जाते, ये विपक्ष का आरोप रहता है, और कभी कभार आपने मैंने अक्सर देखा है कि विपक्ष के जो क्षेत्रीय हैं उनके आरोपों को आप जवाब क्यों देते हैं? सीए तौर पे बहुत सारे आरोप आते थे, ज्यादा महत्व आज तक मैंने कभी किसी पे टीका करके मेरे लिए वोट नहीं मांगा, लोग मेरे पे टीका करते, मैं जो भी आरोप करना है लोग करते, मैंने किसी पे आरोप किया है क्या कभी आज तक? एक आरोप किया है मैंने किसी अपोजिट पार्टी वाले पे, दिखा दो उनको, देख फैसला लेने वाले लोग है जनता, जनता जनार्दन, फैसला लेने वाले लोग तवज्जो देते हैं आपकी, नहीं ठीक है जो बोला ठीक है उसको तवज्जो ही देते हैं आप, महत्व नहीं देते? बिल्कुल महत्व मैं देता नहीं और देने की जरूरत भी नहीं, बराबर है, लोग डिसाइड करेंगे कार्यालय बैठने वाली लाइन पर रही बात
अभी मेरे कार्यालय में नहीं बैठूंगा तो क्या ये लोग इनका कार्यालय देगी क्या मेरे को? आ भाई इधर बैठ, इधर से काम कर। तो कार्यालय में बैठ के जो भी आते 100% लोगों को मिलने वाला एक ही आदमी होगा। आज भी एक भी आदमी आके ऐसा बोलू हाँ अभी मैं इधर हूँ, अभी ऑफिस में कोई आया तो मैं मिलूंगा नहीं, बराबर है। लेकिन मैं ऑफिस में हूँ तो 100% क्षितिज है, तो 100% किसी को 10 मिनट बैठना पड़ता है, किसी को तुरंत मिलता हो, किसी को आधा घंटा, मेरी अगर मीटिंग चालू है कुछ तो लोगों को वेट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऑफिसर हो, पॉलिटिशियन हो, उनके साथ मेरी कुछ बात चल रही है तो शायद लोग। लेकिन चाय ठंडा पी के ही मैं सबको मिला था, पिला के। मतलब आज तक ऑफिस में नियम है कि लंबे से आदमी है, उस आदमी के लिए पानी तो बॉटल ऐसे ही रखी रहती है, जो चाहे वो उठाओ पियो, चाय या ठंडा जो लेने वाला है उसको दिया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। फोन करना है फोन करता हूँ, लेटर मांगता है लेटर देता हूँ, तो किसी अपने ही दूसरे मित्र परिवार में बोल रहा है काम के बारे में वो करता हूँ, बराबर है। जो जो बुलाए उस प्रोग्राम आज तक अटेंड किया है। मतलब मेरा प्रोग्राम अटेंड करने का रेट 98-99%। उसी वक्त अगर मेरे को कोई दूसरी महत्व का काम आ गया है, प्रोग्राम में मेरा नाम डाला है। अभी आजकल तो ऐसा होता है कि कार्ड में मेरे को पूछे बगैर ही नाम डालते हैं, ग्रांटेड पकड़ते कि आपको बोला ना आपका नाम डाला है, अरे भाई पूछना यार मैं किधर बाहर हूँ, पूछू ये तो पूछो। नाम डालने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस वक्त मैं हूँ या नहीं ये भी कुछ लोग देखते नहीं। ठीक है प्यार है, अपना हक समझते, प्यार है हक समझते, प्यार इस कदर है कि कार्यकर्ता पर आप हमेशा बोले नहीं नहीं हक समझते वो और नाम डाल देते। तो ऐसे वक्त में कभी एक हाथ दूसरा प्रोग्राम 1-2% प्रोग्राम चुकते, कोई भी जाति का धर्म का समाज का सोशल कोई ओपनिंग कोई ज्यादा नारियल, मैंने आमदारपण का कभी नारियल फोड़ा नहीं आज तक। आमदारपण मतलब वो मैं जो दो उधर में भी कभी ना, मैं बोलता हूँ गांव के लोगों के हाथ से नारियल फोड़वा लो, काम चालू करो, मेरी आने की क्या जरूरत है। वो नारियल फोड़ने से क्या होगा, तो खाली पीली आप जमा होके बैठेंगे, आप आपका कामकाज करो, नारियल फोड़ने वाला फोड़ेगा, काम चालू करो, काम अच्छा होता है कि नहीं उतना देखो। उनसे समझ के इधर मेरे को बुलाया और आप नहीं गए, कौन से लोगों ने बुलाया और मैं गया नहीं, उतना नाम तो बोले। अभी लोगों को आरोप करना है, आरोप करने वाले अपोजिट वाले हैं क्या हम ऑफिस में, अरे कोरोना काल में एक ही है हमारा ऑफिस जो कार्यकर्ताओं के लिए लोगों के लिए आम जनता के लिए खुला था, वो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन करने से वो अलग अलग दवाइयां लाके देना, रेमडेसिविर टूसिलो जुम्बो, हॉस्पिटल में सीट अवेलेबल करना, बेड अवेलेबल करना, हॉस्पिटल में सीट बेड, अच्छा हजारों के तादाद में इंजेक्शन वगैरह दी, जो भी कीमत थी, किसी से पैसा लिया है क्या पूछो, जब ब्लैक चल रहे थे कुछ इंजेक्शन के, तो वो भी अपने ऑफिस में लाके जरूरतमंदों को दिया है, बराबर है। तो ये कार्यालय की जो आरोप लगाते हैं, यही कार्यालय बहुत सारे काम करते हैं, किया ये ना, अरे जो गांव जाने थे उनको गांव जाने तक खाना देना, ये देना वो देना, जरूरतें पूरी करना, ये अपना ही ऑफिस कर रहा था, दूसरे भी कुछ लोग कर रहे थे, दूसरे भी कुछ, अरे कुछ पार्टी तो हमारी तो साई बाबा ट्रस्ट है, तो मंदिर की बाद में अपना जुधानी ट्रस्ट, जुधानी माता, जुधानी माता ट्रस्ट में तो खाना बनता था, उधर तो ट्रस्ट में खाना बना के वो पार्सल किया जाता हर जगह पे, हमारे यंग स्टार हो युवा कॉलेज हो सब कंट्रीब्यूट करते थे। कितने लोगों ने तो मेरे को सामने से फोन करके कॉलेज में पैसे दिए कि हमको मदद करनी है, आप अच्छा काम करते हमारा भी कंट्रीब्यूशन दे, मैं मांगने नहीं गया, लेकिन ऐसे देने वाले गिने चुने लोग हैं, गिने चुने ज्यादा लोग, उस समय की समस्या है, यहाँ
सभी लोग अपनी अपनी समस्या देख रहे थे, सभी लोग दिक्कत में थे, लेकिन उस दिक्कत के काल में भी मैं ईमानदारी से बोलूंगा कि कुछ लोगों ने यस सामने से आपको जो ये राशन मिशन खरीदी करना ये वो ट्रस्ट के माध्यम से किया, क्योंकि दुर्गानी मंदिर में भी उस वक्त ये पोजीशन नहीं थी, क्योंकि उधर भी कोई दर्शन को नहीं आता, मंदिर बंद थे, बंद थे, और खाना बनाने का उस समय भी उनको आना, उनको रहना, उनको सारी व्यवस्था करना, आज दिन के 2-2 लाख लोगों तक के खाने पहुंचाए गए, बराबर है। वो मंदिर एक जागरूक मंदिर है, लेकिन कैपेसिटी तो पैसे की मांगते हैं, तो सभी लोगों ने मिलके उधर गुरुद्वारा में वसे में जाना था, उधर से बराबर है। दूसरे अलग अलग पार्टी के लोग अपने यहाँ से खाना लेके जाते थे, अलग अलग पार्टी के लोग अपने यहाँ से खाना लेके जाते थे, बोला बेटा तू अच्छा काम कर रहा है, बांट रहा है, सपोर्ट करें, खाली वेस्ट मत करना, नहीं तो फोकट का खाना लाया और उधर फेंक दिया, ऐसा मत करना, इसमें किसी ना किसी का पैसा लगा है, और आज हमको जो बांटता है ये भी बड़ी काम है, तू अच्छा काम कर रहा है, जो तेरी जरूरत है उसमें पाबंदी नहीं, लेकिन वेस्ट करेगा तो गलत लगेगा। अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि विपक्ष का जब कोई कार्यकर्ता आपके पास आता है तो आप सबसे पहले उसका काम करते हैं, ये जो आरोप आपके कार्यकर्ता है कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको तवज्जो दे, विपक्ष आया तो भी ऐसा नहीं कि पहले काम करता हूँ, अपने लोगों को भी काम करता हूँ, लेकिन विरोधक आए तो ये बोलते कि आपने वोट नहीं दिया, उनके परमिशन के लिए भी मैं दौड़ा हूँ, इनके हॉस्पिटल के एडमिशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए भी मैं दौड़ा हूँ, इनके स्कूल के एडमिशन के लिए, स्कूल कॉलेज के एडमिशन, कितने पार्टी के लोग आते हैं, कितने पार्टी के आते हैं, बोले मेरे पे आरोप करें कि मैं फलाना पार्टी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं सेना का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, इसलिए मेरा काम नहीं किया, मेरा एडमिशन नहीं किया, मेरे को हॉस्पिटल की, बोले कोई भी, बोले कोई भी, ना होने वाला काम जिसको कोई नहीं कर सकता, वो तो सवाल ही छोड़ो यार, वो सवाल ही छोड़ो, वे भी इस समय यही कह रहा है अगर आप चुनाव नहीं लड़े तो खतरा हो सकता है, वसई से तीनों सीट चुन के आएगी, चाहे जो कोई खड़ा रहे, तीनों सीट बहुजन विकास की, 3-4 कैसी करने का उस फिराक में हूँ। अच्छा, टेंशन बढ़ जाएगा विपक्ष के लोगों का, 3-4 ही करना पड़ेगा, 3 का कम कैसे करूंगा, मैं 4 ही करूंगा, मैंने क्या बोला, हमारे 3 है, 3 आएंगे। कार्यकर्ता बोले आपको कि अप्पा, वो कहते हैं विकास काम वहां पर जो हरियाली है वो चली जाएगी, महानगर पालिका आएगी तो। अरे मैं एक ही बोल रहा हूँ कि इन्होंने जो डिमांड किया था कि वो नो डेवलपमेंट जोन में, और आज भी बोलता हूँ कि दूसरे के जगह का आप मत बोलो, अपने जगह का बोलो कि हमारे जगह में डेवलपमेंट नहीं करने का है, हमारे गांव में हमको डेवलपमेंट नहीं करने का है। अरे इनसे कोई जबरदस्ती तो लेगा नहीं, लेता नहीं, या कुछ लोग खुद बनाते हैं, उनकी इच्छा होगी वो करेंगे, नहीं होगी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जो आरोप ये सब मेरे को बोलो ना, कोई जो ये पश्चिम पट्टी की सिद्ध करके दिखाए, नहीं नहीं, कौन से लोगों ने दिया था मेरे को जगह, या मैं कौन से लोगों के पास जगह मांगने गया था, रखो आपकी हरियाली, मैंने किधर ना मना किया है। 2019 के बाद 24 में इस तरह का माहौल है, तीनों सीटों के साथ चौथी सीट पे भी आप बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से आएगी, क्या प्लान ऐसा तैयार है पूरी तरह? नहीं तो क्या इतना रिलैक्स में मैं बैठता क्या? शांति, फुल शांति। पूरे महाराष्ट्र में कहा जाता है कि आपके सभी बड़े नेताओं से संबंध है, यहाँ तक कहा जाता है कि आनंद दिगे जी और स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी से भी आपके अच्छे संबंध है। 100% संबंध की बात पर, संबंध अच्छे ही थे मेरा, आज भी मेरे, आज भी किसी से संबंध अच्छे नहीं, सामने वाला क्या समझता है वो मुझे मालूम नहीं,
मैं किसी को मेरा शत्रु नहीं मानता। क्यों? क्या जरूरी है? दोस्ती करने के लिए वक्त कम है तो दुश्मनी किधर करते बैठे? इस संबंध का फायदा कभी नहीं उठाया आपने? है ना, मेरे काम होते ना, तालुका के जिले के काम कराते हैं उनमें। वो प्रमुख है? मेरा पर्सनल काम, कोई भी लीडर बोले, कोई भी लीडर, पर्सनल काम लेके गया हूँ मैं। आप हमेशा कार्यकर्ता पर ज्यादा बल देते हैं। कार्यकर्ता इसलिए हम आए, वो जो मेहनत करती है ना, ईमानी इतबारे बोलते एक है कार्यकर्ता को, मैं किसी को भाई लगता हूँ, किसी को दोस्त लगता हूँ, किसी को पेरेंट्स के नजरों से देखते, कोई मेरे को जो युवा है वो मेरे को कोई चाचा बोलता है, कोई दादा बोलता है, बाबा बोलता है, अप्पा बोलता है, अप्पा तो सभी बोलते हैं, तो एक कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है, तो इसलिए, और वो मेहनत करते हैं इसलिए हम आते हैं। मैंने पहले ये एग्जांपल दिया कि कॉलेज का गुंसल भी साहब के वोट कम नहीं हुए, मेरे वोट बढ़े वो कॉलेज की वजह से, कॉलेज के स्कूल के यूथ में जो है। तो ये कार्यकर्ता दम से निकले तो हम निकल गए, जो भी खड़े है वो कार्यकर्ता ठंडा गिर गया तो हमको ठंडा कर दिया, और जब तक कार्यकर्ता जोर में है ना तब तक हमारी पार्टी जोर में रहेगी। कार्यकर्ता कितना महत्व रखता है आपके लिए? 100% नंबर वन पे कार्यकर्ता, बाद में नेता। हम लोग आए पुत्र तो आए, लेकिन कार्यकर्ता ही हमारे कोई भी नगर सेवक है, नगराध्यक्ष, महापौर, ये सब नेता है। कार्यकर्ता पे जब विपक्ष उंगली उठाता है या उन्हें धमकी देता है या कहता है, मान लिया विपक्ष, तो आप किस नजर से देखते हैं? देखो, कार्यकर्ताओं का गलत नहीं है, वो गलत नहीं करता है, और उसको कोई बेवजह तकलीफ देता है मैं खड़ा हूँ, मतलब उंगली आपके ऊपर है, आउट ऑफ वे जाके मैं खड़ा हूँ, उंगली मेरे पे नहीं, मेरे कार्यकर्ता को अगर गलत तकलीफ दिया मतलब वो मेरे को तकलीफ दी, सीधा सीधा ही साहब, सीधा टक्कर आपसे, सीधी लड़ाई आपसे, फिर सवाल ही नहीं उठता। कार्यकर्ता मेरा काम कर रहा है, वो कोई उसका ये नहीं कर रहा है, इलेक्शन में हो या और कई जगह पे सोशल में, और उसको तकलीफ देने को आए तो मेरे को तकलीफ है समझता हूँ मैं। इस बार के इलेक्शन, आखिरी सवाल मेरा है, इस बार के इलेक्शन में जिस तरीके का माहौल है महाराष्ट्र में, जोड़ तोड़ और कई बार तो एक ही पार्टी में अलग 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 खेमे, इन सब चीजों को देखते हुए क्या लगता है लड़ाई और तेजी से होगी? बहुजन विकास एज गट, बहुजन विकास एज गट, बहुजन विकास के गट, एम गट, ऐसे सब पार्टियों की हालत है। सबसे जयराम, महाराष्ट्र एक कल्चर स्टेट है ऐसा सब बोलते हैं, और आज जो चल रहा है, ईमानदारी से बोलता हूँ कि हम कल्चर है क्या? ये जो आज पॉलिटिक्स देखता हूँ वो देखने के बाद क्वेश्चन मार्क आता है कि सही में हम कल्चर है क्या, सही में हम पुरोगामी है क्या, सही में हम सुधरे हुए 21वीं सदी में जाने वाले महाराष्ट्र है क्या, ये क्वेश्चन गिरता है। इतना घिलौनापन पॉलिटिक्स में कभी देखा नहीं, भविष्य में नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी सभी लोगों की है। 63 की उम्र के बाद आज भी लगता है कि युवा तरीके से काम करे, उम्र नहीं होता कुछ भी, एक युवाओं को कहने जवान है यार। अच्छा, अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं लगता अभी 63 काई का 63 को उल्टा कर दे, ये सफेद कलर लाया लगाया है, बाल सफेद नहीं है, बड़ा दिखने के लिए सफेद कलर लगाया है। अच्छा, संदेश क्या देंगे आप लोगों को? क्या नहीं, आप अपने विकास के लिए खुद जिम्मेदार है, आप किस हिसाब से काम करते हैं, आप किस हिसाब से लोगों को चुनते हैं, आप कितना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, सही झूठ आप कितना मालूम करते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। झूठ बोल के आने वाला कोई भी आदमी, वो किसी भी व्यवहार में हो, बिजनेस में हो, काम धंधे में हो, पॉलिटिक्स में ज़्यादा टिकता नहीं। मैं हमेशा धोखाधड़ी किए नहीं, मैंने हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। भड़कना है तो मुंह पे भड़कता हूँ, पीछे से कुछ तकलीफ देना है धंधा आज तक नहीं किया मैंने, और
क्या होगा, तो मेरे को कोई आके बोले कि मैं मुंह पे एक बोलता हूँ पीछे से दूसरा करता हूँ, ये धंधा नहीं, स्ट्रेट हूँ इसलिए लोगों का मेरे पे भरोसा है, स्ट्रेट ही रहूंगा। यही सब को भी बड़ा फायदा होता होगा, झूठ बोल के गलत फायदा नहीं उठाऊंगा, स्ट्रेट ये है। कभी कभी स्ट्रेट में बड़ा नुकसान हो जाता है, उन्हें दोनों लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, झूठ बोल के स्ट्रेट बोल के आज नुकसान है कल फायदा है, लेकिन आज झूठ बोल के फायदा करना कल 100% नुकसान है, ये कभी नहीं अपनाएंगे आप, सिद्धांत रहा है। लोगों को लोग भरोसा क्यों रखते हैं कि बोलता है ना उससे मुकरता नहीं, वो करता है। धन्यवाद अप्पा, थैंक यू। ये थे हितेंद्र ठाकुर, इन्होंने अपने जीवन के उन कार्यकालों के विषय में बताया जिसका जिक्र लगभग कम होता है। 1990 से 95 का वो कार्यकाल, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन के उन हिस्सों को ही बताया जहाँ पर उन्होंने अपने बचपन के जीवन को जिया। इस पूरी कथा को सुनने के बाद आपको क्या कुछ लगता है, क्या आप सोचते हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि आखिर कौन से सवाल हैं जो अभी रह गए हैं और उन्हें भी करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।